हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। थोड़ा सा फेस को इग्नोर करना क्योंकि सुबह सुबह उठी थी और पता नहीं क्लीनिंग करने के टाइम ना मुझे ये चारकोल वाला फेस मास्क दिख गया था। तो ड्रेसिंग टेबल में ही रखा था बट पता नहीं मेरी नज़र क्यों नहीं जा रही थी इस पर, तो आज दिख गया था तो मैंने सोचा चलो अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा फेस भी डल सा लग रहा था। इस वजह से मैंने सोचा चलो ये अप्लाई करती हूँ। और ये ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मेरी ऑयली स्किन है, इसी वजह से चारकोल जो भी है मतलब चारकोल के प्रोडक्ट वो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। एक्चुअली आपको पता होगा कि जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो भी चारकोल का है। गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। पहले मैं ये वो फेस वॉश यूज़ करती थी, पॉन्ड्स का चारकोल फेस वॉश यूज़ करती थी, बट वो ना थोड़ा सा ड्राई कर देता फेस को। इसी वजह से मैंने वो, जब से मैं गुड वाइब्स का यूज़ करने लगी हूँ तब से मुझे वही ज़्यादा पसंद रहा है, तो इसी वजह से मैं वही यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली पॉन्ड्स का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है पॉन्ड्स का भी, और जिनकी नॉर्मल है मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है तो उनके लिए गुड वाइब्स का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कभी मेरी नॉर्मल होती है, कभी मतलब ये होती है क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन होती है, कभी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए तो इस तरह की स्किन है, तो मैं गुड वाइब्स का ही चारकोल फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर फेस मास्क जो है वो मेरा अप्लाई हो चुका था और कुछ इस तरह से अभी थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने के तक वेट करूँगी और उसके बाद वॉश मतलब निकाल लूँगी। बोल भी नहीं पा रही, इतना टाइट हो चुका है ये, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चमक रहा है यार। तो इसको रिमूव इस तरह से करना है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। ओह माय गॉड, बहुत पेनफुल है ये यार। ये वाले मास्क का यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये ना मतलब पेन करता है, थोड़ा सा नहीं यार बहुत ज़्यादा पेन करता है ये। मतलब मैंने काफ़ी दिनों के बाद लगाया ना, इसी वजह से। अगर आप इसे हफ्ते में एक बार अप्लाई करते हो ना तो आपको आदत हो जाएगी। और इससे ना जो हेयर्स है आपके, वो जो छोटे छोटे हेयर्स नहीं होते वो रिमूव होते हैं, इसी वजह से इतना पेन करता है ये। अगर आप इसे एक हफ्ते में अप्लाई करोगे तो आपके हेयर्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और आपको इतना पेन नहीं होगा, बट जब आप इसे रिमूव करते हो तो आपके हेयर को ये क्या बोलता है खींचता है, इसी वजह से इतना पेन करता है। बाप रे, अभी इसे रिमूव तो कर दिया है और अच्छा भी लग रहा है, तो अब फेस वॉश कर लेना है और बस आ गई हूँ। फेस वॉश करके आप देखते हैं इसका रिजल्ट। एक्चुअली पूरी डर्ट और ऑयल जो है वो रिमूव हो चुका है, ऑयल तो पूरा ही रिमूव हो चुका है फेस से। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो चारकोल फेस मास्क या फेस पैक जो है वो आपके लिए बेस्ट है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ चारकोल, मतलब डेली के लिए तो मैं चारकोल फेस वॉश यूज़ करती हूँ। चारकोल फेस मास्क, चारकोल फेस वॉश, सारे चारकोल ही होते हैं, तो इस वजह से मुझे तो चारकोल स्पेशली ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन के लिए तो वरदान टाइप की है चारकोल, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और पिंपल्स से भी छुटकारा मिल जाता है ऑयली स्किन वालों को और बाकी की चीज़ों से भी, मतलब जो आपके ओपन पोज है या काफ़ी सारी चीज़ें उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ऑयल से तो बिल्कुल छुटकारा मिल ही जाएगा। और यहाँ पर आ गया है छोटा सा पिंपल नींद पूरी नहीं होने की वजह से, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। गुड इवनिंग गाइज, और मैं जा रही हूँ बाहर और अभी बज रहे हैं 7:30, तो कुछ काम है इसी वजह से जाना पड़ रहा है, और उसके बाद मिलती हूँ मैं, जाके आती हूँ पहले कुछ काम है वहाँ पर जाके आ जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ आपसे, सुबह मैंने मास्क लगाया था उसके बाद मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई, उसके बाद थोड़ा सा घर के कामों में बिजी हो गई, एक वीडियो शूट करना था वो किया, उसके बाद थोड़ा सा मतलब वो हो गया कि चलो बाद में बात करती हूँ, तो ऐसे मैं सो गई थी आज थोड़ी देर क्योंकि नींद ही नहीं पूरी हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर ली। मैं सोचा चलो आपके साथ आज थोड़ी लेट ही बात करते हैं, तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलिए फिर मैं जाके आ जाती हूँ पहले, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये वेट कर रहे हैं बाहर और मेरा हमेशा का ही होता है जब भी बाहर जाना होता है तो मेरा, एक मिनट, मुझे ऐसे काम भी दिख जाता है बीच बीच में। तो आज मैं कुछ अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फिर पहले जाके आ जाती हूँ उसके बाद मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और आप लोग सोचते होंगे मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मुझे प्यास क्यों लग जाती है, पता नहीं क्यों, मैं बाहर जाने से पहले पानी पी लेती हूँ।
चले जल्दी से निकलती हूँ। करोना करोना, कैसे दिख रही हूँ मैं? करोना आ गए हम लोग बाहर से। ओह, कब से मास्क लगाए बैठे थे, बाप रे बाप। क्या कब से लगा के रखा था ये वाला? ये हाथ नहीं, टच नहीं करना है, टच नहीं करना है। सैनिटाइजर यूज करना है और क्या करना है, हैंड वॉश करना है। पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ। हैंड वॉश कर लिया है और अभी आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही बल्ले की रेसिपी। कुछ लोग दही बल्ले बोलते हैं, कुछ लोग दही बड़े बोलते हैं, कुछ लोग दही वड़े बोलते हैं, तो हमारे मराठी में दही वड़े बोलते हैं। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। और सुबह ही मैंने, मतलब सुबह में, दोपहर में मैंने ये वाली दाल भिगोने के लिए रख दी थी, उड़द की दाल थोड़ी सी भिगोने के लिए रखी थी यार, इतनी फूल गई है। थोड़ी सी नहीं, मुझे लगा था कि दही भल्ले कैसे थोड़ा सा फेवरेट होता है सबके, मेरे तो बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से ये खाने बैठ जाते हैं तो कम लगते हैं, जैसे कि अगर कम बनाए तो। इसी वजह से मैंने थोड़े से ज्यादा ही भिगोने के लिए रख दी थी। तो मैंने थोड़े से ज्यादा मीन्स डेढ़ ग्लास भिगोने के लिए रखी थी, तो डेढ़ ग्लास की इतनी फूल गई है। तो अभी मैं इसे पीसूंगी और उसके बाद दही बड़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से दही बड़े बनाते हैं। काय झालं? कोण? तो गाइज यहाँ पर दाल को मैंने पीस लिया है और इसे थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब थोड़ा सा पानी डालेंगे, अगर गाढ़ा है तो पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट उसे फेंटना ज़रूरी है ताकि आपके जो दही बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो उसे फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक उसमें ऐड कर रही हूँ और एक ही साइड से, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है उसे अच्छे से, मतलब आपको 5 से 10 मिनट तक उसे फेंटना है अच्छे से। और फेंटने के बाद ही आपके जो दही बड़े हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी बनेंगे। तो इसी तरह से आप अच्छे से फेंट लीजिएगा। उसके बाद एक कढ़ाई में मैं तेल ऐड करूँगी, हमें फ्राई करने के लिए, बड़े फ्राई करने के लिए हमें तेल चाहिए होगा, इसी वजह से तेल मैं चढ़ा दूँगी। यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। तो यहाँ एक साइड में पानी भी रख दिया है, मतलब जब बड़े हम लोग फ्राई करेंगे तो पानी में डालेंगे, तो इसी वजह से मैंने एक साइड में पानी भी रख दिया है कढ़ाई में। और मतलब वो गर्म नहीं करना है एक्चुअली, पानी ठंडा पानी ही रखना है। जो बड़े हम लोग बनाएंगे तो वो आप उसमें डालना है हमें फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही, दही थोड़ा सा फेंट लेंगे और थोड़ी सी चीनी मैंने ऐड की है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी ऐड की है मैंने, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तो इस तरह से मुझे दही फेंट लेना है, मतलब अच्छे से दही फेंट लेना है। और यहाँ पर श्रीकांत को पता नहीं था कि यहाँ पर उसको पता नहीं था कि ये मतलब शूट हो रहा है, तो जैसे उसको पता चला कि शूट हो रहा है तो वैसे वो वहाँ से निकल गया था। पहले वो मज़ाक करने लगा था मुझसे कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है ऐसे होना, मतलब एक्चुअली वो, उसको मैंने बोला था कि थोड़ा सा फेंट के देना दही, तो उससे हो ही नहीं रहा था, तो इसी वजह से वो मैंने थोड़ा सा उसको करके दिया, बाद में उसने बाद में दही फेंट लिया था। तो यहाँ पर मैं बड़े बना रही हूँ, थोड़ा सा हाथ को पानी लगा के बड़े ऐसे डाल देना है, छोटे छोटे आपको जैसे साइज़ आपको पसंद है उसी साइज़ में आपको डाल देना है। और अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है आपको, बड़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा लो फ्लेम पे भी फ्राई नहीं करना है। अगर लो फ्लेम पे फ्राई करोगे तो
जो बड़े हैं आपके वो तेल पकड़ने लगेंगे, ऑयल पकड़ने लगेंगे, और अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो अंदर से पकेंगे नहीं, ऊपर से पक जाएंगे। तो आपको मीडियम फ्लेम पे करना है और काफ़ी देर तक इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी और बाहर से भी इवनली पक जाए। तो इस तरह से आपको करना है, और जब आपके बड़े फ्राई हो जाए तो उसके बाद आपको उसे पानी में डाल देना है। तो यहाँ पर श्रीकांत स्टेटस के लिए वो कर रहा था, शूट कर रहा था, और उसका हमेशा रहता है जब जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ वो स्टेटस के लिए हमेशा वह शूट करता है इस तरह से, और फिर स्टेटस रख देता है। उसको स्टेटस का बहुत ज़्यादा शौक है। और इस तरह से आपको बड़े फ्राई करने हैं, थोड़े से चिपकेंगे नीचे से, बाद में आप इसे थोड़ा सा अलग करोगे तो इस तरह से निकल भी जाएंगे जल्दी से। और इसी तरह से अच्छे से फ्राई करना है, अंदर से बाहर से दोनों साइड से पक जाए, अच्छे से फ्राई करना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे और आपका पेट फिर दूसरे दिन काम का नहीं रहेगा। तो इस वजह से आपको सिर्फ थोड़ी देर उसके लिए टाइम देना है, मतलब फ्राई करने के लिए, और इसी तरह से निकाल के आपको उसमें डाल देना है और पानी में डिप करना है, मतलब पानी में पानी सोक करने के लिए रख देना है उसे, तो पानी में सोक करने के लिए, सॉरी। और यहाँ पर मैंने जीरा भी भुनने के लिए रख दिया है, और जीरा एक्चुअली हमें चाहिए होगा इसके ऊपर डालने के लिए। जब हम लोग दही बड़े बन जाएंगे हमारे, तो उसके बाद हम दही वगैरह डालेंगे, तो उसके बाद जीरा पाउडर चाहिए होगा, तो इसी वजह से मैं जीरा पाउडर बना रही हूँ। यहाँ पे जीरा भूनने के लिए रख दिया है, जीरा भून जाएगा, उसके बाद पाउडर बना लूँगी और उसके बाद वो जीरा पाउडर उसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर दूसरा भी मैंने डाल दिया है बड़े बनाने के लिए, इसी तरह से मैं सारे बड़े बना लूँगी। और यहाँ पर श्रीकांत मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था, क्योंकि श्रीकांत आ गया था ड्यूटी से, तो मैंने श्रीकांत को ही काम में लगा दिया था। तो यहाँ पर जो जीरा भून के रखा था तो वो जीरा पाउडर श्रीकांत बना के दे रहा है मुझे, और आज इनका काम नहीं पड़ा क्योंकि श्रीकांत था घर पर, तो इसी वजह से इनका बिल्कुल काम नहीं पड़ा किचन में, नहीं तो कभी कभी ये हेल्प कर देते हैं मेरे, बट आज श्रीकांत हेल्प करने के लिए था तो ये किचन में आए भी नहीं। और बस यहाँ पर मेरे जो बड़े हैं वो फ्राई हो चुके थे, और इस तरह से बड़े मैंने वो डिप करने के लिए डाल दिए थे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें से निकालना है और हल्के हाथों से सिर्फ उसका पानी निकल जाए इस तरह से उसको दबाना है, पानी सिर्फ स्क्वीज़ करना है उसका, और बस उसे एक कटोरी में या प्लेट में आप किसी भी चीज़ में सर्व करना है आपको। यहाँ पर मैं सबके लिए ले रही थी तो एक बड़ी सी कटोरी ले ली मैंने, और यहाँ पर हो गया था मेरा जीरा पाउडर, श्रीकांत ने जीरा पाउडर बना दिया था, तो मैं यहाँ पर सिर्फ दही ऐड करना है उसमें, तो मैं आपको बता दूँगी। और इसके लिए इमली की खटाई भी लगेगी, तो मैंने इमली की खटाई नहीं बनाई थी, जो पिचकू आता है इमली वाला तो वो लेके आए थे ये। और यहाँ पर पहले दही ऐड कर दिया है, दही में आपको बताया था कि मैंने चीनी और नमक ऐड करके अच्छे से फेंट लिया था उसे, तो वहाँ पर ऊपर से दही ऐड किया है, वही वाला जो फेंटा हुआ दही। और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हम लोग थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर से ना काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है उसका। और उसके बाद मैं उसमें ये इमली वाला पिचकू, हाँ ये लाए थे उन्होंने, तो ये वाला ऐड करूँगी, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, मतलब खटाई से। तो बस खाने के लिए रेडी है हमारा, थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी ऊपर से, और बस खाने के लिए रेडी है हमारे दही बड़े। मेरे मुँह में पानी आ रहा है, आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं बताना मुझे ज़रूर। तो यहाँ पर हम लोग खाएंगे अभी दही बड़े, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत यम्मी बने थे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही मैंने दाल जो है वो भिगोने के लिए डाल दी थी, इसी वजह से इतनी सारी बच गई है, और इसका कुछ कल करेंगे, बट अभी इतने सारे दही बल्ले बन गए हैं, इससे यही हम लोग खाने वाले हैं। और श्रीकांत का पीछे स्टेटस का चल रहा है तो इसमें हम लोग सब खाने वाले हैं एक इसमें, और सभी जो है ऐसे ही फिनिश होने वाला है। तो पहले खा लेते हैं, मैं टेस्ट करके आपको बता देती हूँ। श्रीकांत ये टेस्ट करूँ संग वाला, एकदम मस्त है। नहीं एकदम मस्त नहीं, लवकर ये सुंदर नहीं छान नहीं ठीक है। एक नंबर, अहो एक झाले कसे इकडे या ना, इकडे इकडे या, ये आपण जरा खाल्लं तर बरं आहे। अहो इकडे या।
निकाला मैंने इसी वजह से ये बोल रहा है, अभी थोड़ी देर और उसको पानी में मुरने दो पानी में और सोक करने देंगे और उसके बाद फिर खाएंगे। भाई बस तो बोलो, मजा आ रहा है। मशीन से करूँ क्या? मशीन से मम्मा मम्मा मशीन से बोलो था। ये मेरा पिल्लू है, ये हाँ वो पापा की परी, और ये मेरा प्रिंस परा, ये मेरा प्रिंस। हाँ अद्विक तुम्हारा फ्रेंड। अच्छा ये मेरा फ्रेंड है, अच्छा छोड़ ना ला। हाँ? ये मेरा फ्रेंड है। वहाँ पे देखो पापा क्या कर रहे हैं। वहाँ पे देखो, दिखाओ दिखाओ क्या कर रहे हो आप। अच्छा अच्छा ये क्या? कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा मैं बहुत काम नहीं करता। हाँ अच्छा अच्छा करता अच्छा तू नहीं बोलता नहीं बोलता। बोले बापड़े माही कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। ये आप हो यहाँ पे, यहाँ पे आप, आपका भी चाहिए क्या करके? हाँ। नहीं लांदा तो नहीं आपका नहीं होता, बहुत छोटे हो आप, वो बहुत ज्यादा प्रेशर वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है यार वो, बहुत ही अच्छा है। दिखाओ दिखाओ एक मिनट, इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब पेन पूरा रिलीव कर देता है, इतना ज्यादा अच्छा है। आपको अगर लिंक चाहिए हो तो दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मम्मा दीदी को कहाँ से लिया था वो? दीदी का दिखा क्या इन्होंने? एक मिनट एक अद्विक एक मिनट एक मिनट, अभी लिया है इन्होंने, अभी लाया मतलब कहाँ से लिया वो, कौन से? अमेज़न से। देखो बहुत अच्छा है ये, इसमें ना 3 अटैचर आता है, तो इसमें 3 अटैचर आता है, तो वो अटैच करना पड़ता है उसे, और बहुत अच्छे से पेन रिलीव करता है वो, देख सकते हो। ये यहाँ पर उसके पापा बहुत देर तक हाथों से कर रहे थे, अभी थक गए थे इसी वजह से वो लाया उन्होंने। मैं भी करती हूँ ना बहुत बार, तो बहुत अच्छे से मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ, पूरा जो भी टेंशन होता है वो पूरा दूर हो जाता है इससे। पैर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो गुदगुदी हो रही है माही को, माही को गुदगुदी हो रही है माही को पैरों को। तो कितने बजे हैं? 11:15 बज गए हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को ये श्रीकांत थोड़ा आवाज कमी कर, आवाज कमी करना। श्रीकांत मामाला दाखवतच नाही मी आता।
तो चलिए फिर 11:15 बज गए हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये महाराज आ गया है, नींद पूरी नहीं हो रही ना इसी वजह से ये आ रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा दिखा, एक मिनट ऐसे देख लो। तो मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं थक गई हूँ अब। मोटा सा ब्लॉग, मोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा ऐसे करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अरे यार, आपने अभी तक मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय बाय। रात्रीचा गेम नसतात खेळ। चलो बाय बाय।